हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं वर्ल्ड रेसलिंग न्यूज़। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की और विंस मैकमैन की। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आप ऐसी वीडियो हर रोज़ देख सकें। तो गाइस, विंस मैकमैन से जुड़ी अपडेट आ रही है कि वो नहीं चाहते थे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को कि वो रेसलमेनिया 35 में ब्रॉक लेसनर को फेस करें। और ये भी अपडेट आ रही है कि विंस मैकमैन सेथ रॉलिंस को एक मेन इवेंट मटेरियल नहीं मानते, उन्हें नहीं लगता कि सेथ रॉलिंस मेन इवेंट कर सकते हैं। तो गाइस, ये अपडेट आ रही है कि विंस मैकमैन का ओरिजिनल प्लान ये था कि वो ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन मैच बुक करें एट रॉयल रंबल, पर ये मैच आप सब जानते हैं क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को आगे की सर्जरी और उन्होंने एक बैकअप प्लान रखा था फिन बैलर को। तो गाइस, इसलिए फिन बैलर और ब्रॉन स्ट्रोमन को रिप्लेस कर दिया। तो गाइस, मेन प्लान ये था कि वो ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे ब्रॉन स्ट्रोमन और वो जीत जाएंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और उसके बाद वो ड्रू मैकइंटायर को रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट में फेस करेंगे और वहाँ ड्रू मैकइंटायर उन्हें हरा देंगे रेसलमेनिया 35 में। लेकिन ये प्लान नहीं हो पाया, किसके पीछे आता था गेम ट्रिपल एच का। जी हाँ दोस्तों, गेम ट्रिपल एच ने ही विंस मैकमैन को फोर्स किया कि वो रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस को ब्रॉक लेसनर से फेस करें। ये सारा ट्रिपल एच का ही किया है, उन्होंने विंस मैकमैन को फोर्स किया ताकि रॉ वुमेन ताकि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए उनका मैच हो एट रेसलमेनिया। तो गाइस, ये थी अपडेट कुछ जुड़ी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको